हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रिया का जायका। आज की हमारी रेसिपी है पालक पनीर। आइए इसे शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले एक पाव पालक साग को अच्छे से चुनकर साफ कर लिया है और साफ करके इसे मैंने अच्छे से धो धा कर इसे बॉईल कर लिया है। और अब चलिए मिक्सी की ओर। ये मैंने एक टमाटर, नॉर्मल साइज के एक टमाटर को मैंने अच्छे से धोकर काट लिया है। इसके बीज मैंने निकाल लिया है। पालक साग के साथ जब भी मैं टमाटर ऐड करती हूँ, उसका बीज मैं निकाल कर इसे यूज करती हूँ। एक हरी मिर्च, 6 से 7 गोलकी दाने, 1 इंच अदरक और 4 लहसुन की कलियाँ। और इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी ये बॉईल किए हुए पालक। और इन सारी चीजों को मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से ग्राइंड हो गया है। और अब चलिए गैस की तरफ। ये देखिए दोस्तों, मैंने कढ़ाई चढ़ाया है। इसे मैंने सिर्फ 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल डाला है। ये देखिए तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें अब मैं 1 चम्मच साबुत जीरा और 2 तेज़पत्ता डालूंगी। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 नॉर्मल साइज के प्याज। इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया है। और साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़े सी जीरा पाउडर, हल्की सी गोलकी पाउडर और थोड़ी सी मैं इसमें डालूंगी, क्योंकि मैंने साबुत जीरा और गोलकी डाल चुकी हूँ। और थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। और थोड़ी सी 2 मिनट बस मैं इसे पकने दूंगी, ताकि मसालों का रॉ फ्लेवर चला जाए। और मैंने ये जो पालक का पेस्ट बना कर रखा है, इसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और इसी में मैं 2 चम्मच पानी ऐड करके इसे इसमें ऐड कर दूँगी। और अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करूँगी। और नमक को अच्छे से मिक्स करके, और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी ये पनीर के टुकड़े। और अब मैं इसे 1 उबाल आने तक अच्छे से चलाऊंगी। और ये देखिए, इसमें उबाल आ चुका है। और इसी टाइम पर मैं इसमें 1 चम्मच विनेगर ऐड करूंगी। आप चाहे तो नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने विनेगर ऐड किया है। और इसी के साथ मैं इसमें थोड़ी सी गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। ये देखिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं और इसमें अच्छी सी उबाल भी आ गई है। और इसी टाइम पर मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूँगी। और ये हमारा पालक पनीर बनकर तैयार है दोस्तों। ये डिश आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अर्ली अपडेट के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।